डेटा वैलिडेशन ही किया आप एडवांस बता रहे हैं, हाँ डेटा वैलिडेशन तक नहीं किया। जी मैं डेटा वैलिडेशन किया ही नहीं अभी, आप एडवांस बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो इसी में आपका है। ओके तो डेटा वैलिडेशन जो है हमारा, उसके पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि बात करें, डेटा वैलिडेशन करता क्या है? डेटा वैलिडेशन करता है कि जब आप एक काम करो, मतलब कि जब भी आप कोई डेटा एंट्री करते हो, तो आप चाहते हो कि डेटा वैलिडेट हो कि एंट्री हो, उस केस में हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट है हमारा, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है कोई भी डेसिमल प्लेसेस एंट्री ना कर सके, राउंड फिगर एंट्री करे। अब जैसे कि कोई राउंड फिगर एंट्री करता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसके बाद राउंड फॉर्मा लगा सकते हो, तो लगने के बाद तो प्रोसीजर हमने पता ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एंट्री ही ना करे, तो मैं बाद में मेहनत क्यों करूँ? तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई डेसिमल्स एंट्री ही ना करे, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। और इसमें मैंने बोल दिया होल नंबर, और मैंने यहाँ पे जो कंडीशन से आपने, आप अपने कंडीशन यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू। और यहाँ पे हम बोल दिया इक्वल टू, नहीं, एक ग्रेटर देन दे देता हूँ, इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें जब भी हम डालेंगे तो एंट्री लेगा, अगर इसमें हमने डेसिमल्स प्लेसेस डाल दिए तो एंट्री लेंगे। ग्रेटर देन 0 क्या रहता है, तो इंटू 4562.3254 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर, हमने यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, हमने कंडीशन यहाँ पे लिखा है इज ग्रेटर देन 0 होल नंबर, मतलब कि अच्छा फोर राउंड फिगर, डेश में प्लेसेस नहीं लेगा। ठीक है, डेश में प्लेसेस करोगे तो सब एंट्री लेगा। इस तरह की एंट्री करवानी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सिटी लिस्ट डालनी है। सिटी लिस्ट में मैं चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन में कुछ पर्टिकुलर सिटी हो, तो मैं लिस्ट में बोल दिया कि मैं 4 सिटी ही डालने, 5 में ना डाले। इंदौर। अभी क्या है कि इनके अलावा कोई और सिटी जो है इसमें एंट्री नहीं है। एक तो मुझे लिस्ट आ, ये हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा इस तरह से, यहाँ लिस्ट आ गया। और कोई और सिटी डालूंगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसे अगर कोई मोबाइल नंबर मैंने लिख रखा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 10 डिजिट से कम और ज़्यादा मोबाइल नंबर ना डले, तो डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ लिस्ट, लिस्ट नहीं, टेक्स लेंथ, टेक्स लेंथ, और मैंने बोल दिया इज इक्वल टू, टेक्स का लेंथ इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर गलत नंबर डालूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी एंट्री जब डले, मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि इसमें जब भी कोई गलत नंबर डालता है, तो इसमें जो मैसेज आता है, तो वो तो मैसेज एक किस तरह का आ रहा है,
अरे मैसेज तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैसेज है क्या अब क्या। ठीक है तो मैं खुद का मैसेज देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक तो मैसेज मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, एक तो हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं, बट कमेंट में कहते हैं जब माउस का पॉइंटर जाएगा तो दिखेगा, कर्सर जाएगा तो नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि कर्सर जाए फिर भी दिखे, तो उस केस में हम लोग डेटा वैल्यूएशन के अंदर में इनपुट मैसेज करते हैं, जैसे कि ऐसे मोबाइल नंबर और यहाँ दे दिया कि प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है अब एंटर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए एरर तो ही आ रहा है लेकिन जैसे कर्सर जाता है दिख रहा है ना आपको, कर्सर में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि एरर भी आए तो डेटा वैलिडेशन के अंदर में आपके पास अलर्ट है, इसमें डाल दीजिए जो भी डालना है। यहाँ पे रॉन्ग अब इसमें मैं ठीक है अब इसमें एक चीज आ गया राज जी कि इसमें तीन चीजें हैं, एक है आपके पास वार्निंग, मतलब क्या हुआ कि आप पे अगर यहां पे एंट्री करोगे तो यहां पे वार्निंग आएगा, यस करोगे एक्सेप्ट कर लेगा, नो करोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डेटा वैल्यूएशन में एक इंफॉर्मेशन है कि जिस आपको इन्फॉर्म करेंगे, तीन यहाँ पे लिस्ट है उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें तो ये तो नॉर्मल चीजें थी, ये तो आप लोग भी कर सकते थे। अब कुछ अलग चीज आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि लिस्ट की ही बात करें तो मैंने यहाँ पे सिटी उधर की दिखाया, आवाज आ रही है बैकग्राउंड अब सही है, उधर की आवाज आ रही है, अब सही है आप ना, सही राज जी के माइक से आ रहा है। आप सही। तो अगर मैं कुछ और करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास जो सिटी है वो है यहाँ पे हमारा है दिल्ली है और एक हमारा नोएडा है, तो मैंने यहाँ पे सिटी लिस्ट लगाया जिसमें हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट और लिस्ट में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे आ गया। अब बात आती है एरिया की, तो इनके एरिया का भी मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपका दिल्ली के लिए,
साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल और आपका इसमें आ गया सेक्टर 1, 2, 3 नोएडा का। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है ना दिल्ली का है तो आप फॉर्मूला में जाइए, डिफाइन नेम में आइए और दिल्ली के लिए आप दिल्ली का ही चूज कीजिए, नाम डालिए सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। फिर आप नोएडा को सिलेक्ट कर लिए तो डिफाइन नेम में नोएडा में आपका नोएडा होना चाहिए। तो अगर मैं एरिया में जाऊं और एरिया में डेटा वैलिडेशन में हम यहां पे नेम रेंज भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया इक्वल दिल्ली, तो इसमें अब जो है दिल्ली का आएगा। लेकिन अगर नोएडा है तो इसमें अगर इसका नाम चेंज हो जाए दिल्ली से नोएडा तो नोएडा का आएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि बार बार नाम चेंज कौन करेगा, ऑटोमेट होना चाहिए। तो मतलब कि जो यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे नेम रेंज में यहाँ आना चाहिए, बट ये तो एक्सेल में एज ए टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये डेसिमल हटा दो एन ओ के, यहाँ पे नोएडा का आ गया। यहाँ अगर हम चेंज करते हैं दिल्ली करते हैं यहाँ दिल्ली का आएगा, ठीक है। कोई डाउट? अरे कुछ नहीं किया हमने, हमने यहाँ पे जो है ना जो इस एरिया में जो डेटा बनाया है उसका नाम जो है ना वही रखा है जो नाम हमने सिटी है, और फिर हमने इसमें डेटा वैलिडेशन में इनडायरेक्ट के अंदर में वो ये डाल दिया। अब ये दिल्ली क्या कर रहा है, इसमें दिल्ली एज ए दिल्ली कन्वर्ट होके आ रहा है रेफरेंस। ठीक है, बी और सी का रेफरेंस कहाँ लिया आपने? क्या बी और सी का रेफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ था? तो बी और सी का रेफरेंस जी टू जो है, तो जी टू क्या है, दिल्ली है ना। इनडायरेक्ट क्या करता है कि टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एज ए नेम रेंज में, तो इसका नाम हमने दिल्ली दे रखा है ना, समझे। पहले आपने वो नेम में सेट कर रखा। हाँ हाँ, आया समझ में। अब इसी तरीके से और बहुत फॉर्मूला है, जैसे कि हम डेट की बात करें तो डेट में जाए तो हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलन में हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट इंटर करना, तो टेक्स्ट टू कॉलन में आप देख रहे हैं डेट है, लेकिन यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर डेट का पीरियड दे सकते हो। जैसे कि मुझे हर महीने की 10 तारीख तक की 1 से 10 की एंट्री चाहिए होती है, 1 से लेके 10 तक की, मैंने 1 से लेके 10 तक की एंट्री चाहिए होती है, या 10 से ज़्यादा चाहिए होता है, और 10 के बाद की एंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर हम यहाँ बिटवीन कर दें तो हर महीने मुझे चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे तो हम बिटवीन अगर देते हैं तो मुझे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मुझे लिखना पड़ेगा मंथ के हिसाब से। तो मैं चाहता हूं कि नहीं डे के हिसाब से पिक करें, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़े, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या आपका डेटा वैलिडेशन हो। जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हो तो सिर्फ जो है ना आप एक ही सेल जो है इंट्री यूज कीजिएगा, एक ही सेल सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ एक ही सेल सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन में कस्टम फॉर्मूले के लिए हम कस्टम डालते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल डे, मतलब कि इसमें से डे को, सॉरी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, डे इज
लेस देन इक्वल टू 10, देन ओके कर दिया। बाकियों में करना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा और बाकियों में सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और वैलिडेशन कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे इसमें मैं एक तारीख का डेट डालूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो एक तारीख का डेट किसी भी महीने, एक से लेकर 10 के डेट किसी महीने का हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 26 तारीख डाल, एक मिनट, 26 अगस्त कैसे ले लिया है, हाँ B3 ओके, इसीलिए नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, हमने B सेलेक्ट कर रखा है, सॉरी दिस इज माय फॉल्ट। अब ये कॉपी करके बाकी जगहों पे आप राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, अ पेस्ट एज ए डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे देखिए 26 अगस्त, सिर्फ 10 दिया था वहाँ पे, लेकिन वो 10 कैसे कैसे ये करेगा, जज करेगा कि मुझे मंथ, नहीं 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 मैंने कस्टम दिया है, कस्टम फार्मूला, मतलब डे, डे फार्मूला क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डेट से डे निकालता है ना। तो अगर डे, अगर डे इसका कम हुआ तो कम होगा। ठीक है, सिस्टम है तो हम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेटिंग जैसे काम हो यहाँ पर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं कस्टम अलग है, ये अलग है, इसमें सिर्फ फार्मूला दे सकते हो, जैसे नहीं नहीं वो अलग है, वो चीज़ नहीं कर सकते। अब जैसे अकाउंट नंबर है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई टेक्स्ट ना लिख सके, सिर्फ नंबर लिखे, तो इज नंबर का फार्मूला हमारा होता है या इज नॉन टैक्स का फार्मूला होता है, तो हम डेटा वैल्यूएशन में लगा सकते हैं कि यहाँ पे कस्टम इक्वल इज एन ओ एन नॉन टेक्स्ट, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देते, फिर इसको नीचे से कॉपी पेस्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैलिडेशन दे देते हैं। तो इस तरह से अपने हिसाब से फॉर्मूलेज डाल सकते हो डेटा वैलिडेशन से। अब डेटा वैलिडेशन के बाद जो है कुछ और चीज़ें हैं, ये छोटे मोटे चीज़ हैं जैसे रिव्यू में, व्यू में, तो आप लोग अभी क्या कीजिए, बैठ के मेनू बार के बाकी ऑप्शन देख लीजिए, कल हम देखेंगे जो मेनू बार के ऑप्शन जो आपके बच गया है, मतलब जो आपको नहीं आता है वो हम करा देंगे, उसके बाद हम एडवांस फार्मूला मतलब कि एरे फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ आपको आता होगा, आप खुद भी लर्न कर सकते हैं। नहीं, इंसर्ट में आपका चार्टिंग है जो कि डायनेमिक चार्ट में कराया जाएगा, पिवट वगैरह तो मैंने करा ही दिया था, और ये बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये फिलहाल एक बार आप देख लो कौन सा टॉपिक नहीं आता है वो मैं करा दूंगा, छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, जनरली बच्चों को आता है, तो एक बार आप चेकआउट कर लो कि आपको मेनू बार में कौन कौन चीज़ें नहीं आती है, उसका लिस्ट बना लो और मुझे मेल कर दो, कल की क्लास में हम कन्फर्म कर लेंगे, कर देंगे वो सारी चीज़ बता देंगे, उसके बाद जो है हम करें। इसमें चार्ट जो है ना, चार्ट आपको डायनेमिक चार्ट के साथ कराया जाएगा, पिवट में करा ही दिया हूँ आपको, तो एक बार देख लीजिए कि कौन कौन चीज़ आपको नहीं आता है, नहीं सीख पाओ क्या राज जी, तो उस फिर हम उससे नहीं, वीडियो अपलोड हो गई है, अपलोड हो रही है, वीडियो अपलोड हो रही है, देखिए सारा वीडियो अपलोडिंग में लगा रखा हूँ, मैं सैटरडे संडे नहीं था, कहीं और था ना, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया था।